नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम। बीजेपी के चार नगर सेवकों ने सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की नवी मुंबई से शुरुआत हो गई है। चार लोग जो इस्तीफा दिया है वो नवी मुंबई के नगर सेवक पद पर काबिज रहे हैं। अप्रैल महीने में नवी मुंबई नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी के चार नगर सेवकों ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। एक तरह से ये कह सकते हैं बीजेपी को पहला झटका लगा है। इस्तीफा देने वाले सुरेश कुलकर्णी, जो कि बीजेपी के कट्टर नेता थे, कुलकर्णी की पत्नी राधा और संगीता वास के मुद्रिका गवली ने दिया है इस्तीफा, और चार लोगों ने मिलकर इस्तीफा दिया है। तसं काय नाही, कामं विमे सगळे झालेले आहेत, कामं सगळे झालेले आहेत। आम्हाला त्या ठिकाणी लोकांच्या बरोबर जायचं, त्या ठिकाणी लोकांचं म्हणणं असं आहे की त्या ठिकाणी बाबा अमुक अमुक या हिशोबाने राहू नका तिथे, बरं। त्या ठिकाणी मुस्लिम समाज जास्त आहे, दलित समाज जास्त आहे, त्या उद्देशाने आम्हाला तिकडे राहिलं। फ्लोअरचं झालेलं आहे। आज मी स्वतः तुमच्या समोरच बोललो कमिशनर साहेबांना की सही बाकी उद्या स्टँडिंगला आणतात तुमचं, नाही तसं काय नाही। एक और खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में NRC, NPR, CAA को लेकर काफी घमासान चल रहा था और लोगों को उम्मीद थी महाअघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में CAA, NRP, NRC नहीं लागू करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पत्रकार को संबोधित किया, पत्रकारों को बताया NRC, NPR, CAA का फर्क बताया, और हर 10 साल में जनगणना होती है, वो होना चाहिए, उससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन NRC नहीं होने देंगे, यानी महाराष्ट्र में CAA, NPR की प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी उद्धव ठाकरे ने दी है। लेकिन जानकारों की माने तो NPR ही NRC है और NRC ही NPR है। आता हे सगळे विषय मी मुंबईत बोललेलो आहे, मी पुन्हा पाहिजे सांगतो, माझ्या मुलाखतीत बोललेलो आहे की CAA आणि NRC हे दोन वेगळे विषय, NPA हा तिसरा विषय आहे। CAA लागू झाल्यानंतर आपल्याला कोणालाही घाबरण्याचं कारण नाही। NRC आलेला नाही, तो येणार नाही, कारण NRC जर का लागू केला तर तो केवळ मुसलमानांना नाही तर तो हिंदूंना आणि आदिवासी आणि इतर जे वंचित वगैरे से भटके वगैरे आहेत त्यांना सुद्धा तो त्रासदायक होईल। म्हणून NRC बद्दल केंद्र सरकारने कोणतेही भाष्य केलेलं नाही। NPA जी आहे ही जनगणना आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या रकान्यांमध्ये काय कलम दिलेली आहे ती मी एकदा स्वतः बघेन, आणि मला वाटत नाही की त्याच्यात सुद्धा काही अडचणीचं असेल, कारण दर 10 वर्षांनी जनगणना ही होत असते। और CM उद्धव ठाकरे ने CAA, NRC, NPR में अंतर समझाकर टकराव की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। इसके जवाब में NCP के प्रमुख शरद पवार ने ठाकरे के बयान को उनकी निजी नजरिया बताया और कहा NCP, NPR, NRC, CAA के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस कानून के खिलाफ है। वहीं मुख्यमंत्री के मनसे को साफ की मंत्री ने, शरद पवार के अलावा उद्धव सरकार में मंत्री और NCP नेता जितेंद्र हवाड ने सरकार का बचाव करते हुए उनकी मनसा साफ की है। आ ही नहीं सकता, कल जो पेपरों में आया, मैंने सुबह सुबह उद्धव ठाकरे जी से बात किया, उन्होंने बोला जितेंद्र 2021 की जो जनसंख्या होती है हर 10 साल के बाद एक सेंसस होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। वो सेंसस जब भी आएगा महाराष्ट्र सरकार सेंसस के लिए पूरा मदद करेगा, लेकिन सेंसस के पहले अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो महाराष्ट्र सरकार उसमें हिस्सा नहीं लेगी। उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मेरे हिंदू पिछड़े भाइयों को होने वाली है। ये आप लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, आप ये लड़ाई भारत के लिए लड़ रहे हो, जिस भारत में कई ऐसे हिंदू समाज के जाति वर्ग के लोग हैं जिनके पास एक भी कागज नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने कागज मुसलमान भाइयों के हाथ में है उतने कागज मेरे कई करोड़ों हिंदू भाइयों के पास नहीं है। क्या हुआ आसाम में? आसाम में तो ये कहने गए थे कि हम मुसलमानों को यहां से बाहर ले जाएंगे, आखिर चंगुल में फंस गए 14 लाख हिंदू, अभी तक 28 लोगों की मौत हुई है। उधर सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार 10 साल पर होने वाली जनगणना में मदद करेगी।
केंद्र सरकार अगर उससे ज़्यादा कुछ कोशिश करती है तो उसमें राज्य सरकार साथ नहीं देगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।